तो बहराइच को हम लोग या पूरे उत्तर प्रदेश को पूरे देश को हम लोग नफरत की आग में नहीं झोंकने देंगे इस मोदी सरकार को। बहराइच एक बहाना है और इन्हें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को जिताने का एक एजेंडा तय सेट करना है। ये चुनाव जब जब आता है बीजेपी यही प्रोपेगेंडा सेट करती है। आप देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरी की बात किए, काले धन का बात किए, रोजगार की बात किए, महंगाई की बात किए, लड़कियों की सुरक्षा के बात की। जब सारे मुद्दे पर फेल होने लगते हैं ये लोग क्या करते हैं, जब सारे मुद्दे पर फेल होने लगते हैं ये लोग धर्म के आड़ लेते हैं। जब जब चुनाव के मुद्दे आते हैं देश को धर्म के दलदल में धकेलने का काम भाजपा सरकार करती है, क्योंकि जब भी इनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो ये रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कमाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई की बात नहीं करेंगे। ये लोग नफरत का फैलाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करेंगे, अगले पिछड़ों को बांटने का काम करेंगे। उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो डर गई है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में महागठबंधन का जो लोगों ने प्रेम स्नेह दिया है, योगी सरकार डरी हुई है, मोदी जी डरे हुए हैं, तो जब जब चुनाव आता है तो पूरे देश प्रदेश में ऐसे दंगा करवाने का काम ये योगी सरकार के द्वारा और मोदी जी को के द्वारा किया जाता है। ये पहले से भी देखे, गुजरात देख लीजिए, बाकी अन्य प्रदेशों में देख लीजिए, जहां जहां ये इनको लगता है कि हम चुनाव हारेंगे वहां पोलराइजेशन का काम करते हैं, लोगों को बांटने का काम करते हैं, उसी का एक हिस्सा बहराइच है। लेकिन हमारे नेता जो है राहुल गांधी जी, उन्होंने बोला है कि नफरत के बाजार में हम लोग मोहब्बत की दुकान खोलेंगे। तो बहराइच को हम लोग या पूरे उत्तर प्रदेश को पूरे देश को हम लोग नफरत की आग में नहीं झोंकने देंगे इस मोदी सरकार को। हम लोग पूरे देश में मोहब्बत का दुकान खोलने का काम कर रहे हैं और बहराइच में एक बार फिर अमन शांति चैन का स्थापना होगा। हम लोग के नेता गए हैं वहां पर और बता रहे हैं आपसे कि पूरे देश में हम लोग शांति चाहते हैं, मोहब्बत का दुकान चाहते हैं। अरे साफ तौर पर आपको दिखाई जाए, देश को बांटने का प्रयास कौन कर रहा है, जाति जाति में लड़ाने का, धर्म 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 के लोगों को बांटने का। जो लोग पहले आपसी भाईचारा प्यार से रहा करते थे, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सभी जाति धर्मों के लोग एक साथ बैठकर एक थाली में खाते थे, आज उनको बांटने का प्रयास कौन कर रहा है? बीजेपी के लोग कर रहे हैं, आरएसएस के लोग कर रहे हैं, और जो उनकी मानसिकता है लोगों को बांटना, उन्हीं के नाम पर ये लोग राजनीति करने का काम करते हैं। अरे उत्तर प्रदेश में योगी मॉडल चल रहा है, आप लोग नहीं देख रहे? योगी मॉडल तो लोकसभा चुनाव में आपने देखा कि फेल हो गया। कैसे कैसे जो नरेंद्र मोदी जी का जो बनारस वाला सीट है वो हारते हारते कभी 10,000 से पीछे, कभी 20,000 से पीछे, कभी आगे, कभी पीछे, करते करते उनका जान बचा। तो योगी मॉडल फेल है, मोदी मॉडल फेल है, हारते हारते बचे हुए हैं, इस बार उनका कहानी खत्म है। कानून का राज चल रहा है, देखने अगर अखबार उठाकर देखिएगा तो रोज उत्तर प्रदेश में लूट, हत्या, बलात्कार का जो सबसे अधिक अगर न्यूज कहीं से आएगा तो वो आएगा उत्तर प्रदेश से, उत्तर प्रदेश से ये लूट हत्या का। और बाकी जहां जहां पर बीजेपी का शासन है, जहां जहां बीजेपी के सत्ताधारी लोग हैं, वहां पर इसी प्रकार की राजनीति हो रही है। और हम लोग चाहते हैं कि इस देश के लोगों को ऐसे नफरत करने वाले, नफरत फैलाने वाले लोगों से निजात मिले और देश में एक बार फिर भाईचारा, अमन, चैन, शांति स्थापना। हिंसा के लिए कौन जिम्मेदार है? अरे आपसे तो बोली, बहराइच हिंसा के लिए बीजेपी और आरएसएस के लोग जिम्मेवार हैं और उन्होंने ही इस हिंसा को भड़काने का काम किया है। लेकिन जहां पर जिस तरीके से धार्मिक नारे लग रहे थे वहां पर आपने देखा होगा कि डीजे पे गाने बज रहे थे, तो उसको लेकर के हिंसा भड़की है। एक लड़का किसी के छत पे चढ़ जाता है, फिर उसको गोली मार दिया जाता है, तो ये कह रहे कि गोली क्यों मारे, किसी को ऐसे क्यों गोली मार सकते हैं? आप बात को समझिए कि ये केवल बहराइच को मत देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में बीजेपी की शासन जहां जहां जाती हुई दिखाई देती है, पूरे देश में एक पूरा प्लानेट होता है, उन लोगों का प्लान होता है लोगों को भड़काना, लोगों को हिंसे में झोंकना, नए नए लड़कों को उनको उकसाना। ये बीजेपी का प्लान प्री प्लानेट होता है। आरएसएस के लोग ऐसे पूरे देश भर में छोड़ रखे हैं कि जहां जहां लगे कि हम लोग कमजोर हो रहे हैं, देश के लोगों का बांटने का, धर्म बचाने के लिए, धर्म कोई नहीं बचाने के लिए, अपनी कुर्सी बचाने के लिए है। जब लग रहा है योगी जी को लग रहा है कि हमारा कुर्सी जा रहा है, ये कुर्सी बचाने के लिए बस ये काम कर रहे हैं और कुछ नहीं है। धर्म की लड़ाई नहीं है, ये कुर्सी की लड़ाई है। और ये कुर्सी जो लड़ाई है ना, इसी में देश के युवा, देश के आम जनमानस त्रस्त है। तो बहराइच में कैसे खुलेगी मोहब्बत की दुकान, बता दीजिए? हम लोग जाएंगे, हम लोग देश के लोगों से, बहराइच के लोगों से अपील कर रहे हैं, इनके बहकावे में मत आइए, आप लोग अमन शांति चैन से रहिए। और हम लोग एक बार फिर चुनाव होने वाला है, हम लोग आएंगे सत्ता में, हम लोग चुनाव होने वाला है, हम लोग आएंगे सत्ता में और फिर बहराइच जी नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे देश में हम लोग शांति स्थापना करेंगे। कैसे देखते हैं सर बहराइच हिंसा को आप? देखिए, जब से योगी सरकार आई है सत्ता में, चाहे भाजपा का शासन हो केंद्र में और राज्य में, आप देख सकते हैं जब जब चुनाव के मुद्दे आते हैं देश को धर्म के दलदल में धकेलने का काम भाजपा सरकार करती है। और आप उठाकर इतिहास देख लीजिए गौर से, 2014 का इनका नारा था, जब हमारी सरकार आएगी प्रत्येक वर्ष युवाओं को रोजगार मिलेगा। आज हिंदू हो, मुस्लिम हो, सिख हो, ईसाई हो,
अब अगड़े हो, पिछड़े हो, दलित हो, दबे हो, सबके युवाओं को देख लीजिए झुकने का काम ये करते हैं और एक एजेंडा ये तय करते हैं कि जिस स्टेट में चुनाव होंगे, चाहे उपचुनाव हो, चाहे खुल के स्वतंत्र चुनाव हो, चाहे विधानसभा चुनाव हो, जब जब चुनाव आएंगे एक ऐसा नंबर पकड़ा जाए जिससे हिंसा फैले और हिंसा फैलाकर उस देश में एक अलग एजेंडा तय करने का काम ये करने का काम करते हैं। उसी उत्तर प्रदेश में बृजभूषण सिंह का मामला आपने सुना होगा। बृजभूषण सिंह जो है आज फोगाट जो है वो विधायक बन चुकी हैं हरियाणा से जी। एक शब्द भी योगी सरकार के मुख से या हमारे देश के जुमलेबाज प्रधानमंत्री के मुख से निकलने का काम नहीं हुआ। ठीक इसी प्रकार बराइच एक बहाना है और इन्हें उत्तर प्रदेश के उपचुनाव को जिताने का एक एजेंडा तय सेट करना है। मतलब बहराइच हिंसा उपचुनाव को लेकर बिल्कुल आप देख लीजिएगा, जब जब इस देश में चाहे उत्तर प्रदेश का उन्नाव की घटना हो, उत्तर प्रदेश की अन्य जगहों की घटना हो, चाहे उत्तर प्रदेश का एक कह सकते हैं कि दलित परिवार में जब घटनाएं घटती हैं, ये सारे लोग बंद कमरे में रहते हैं और वहां से सियासत करने का काम करते हैं। लेकिन हम जहां खड़े हैं हमेशा यह कांग्रेस पार्टी जो है देश के अगड़े पिछड़े दलितों की लड़ाई लड़ने का काम करती है और एकजुटता के साथ कहने का काम करती है कि इस नफरत के बाजार में हम मोहब्बत का दुकान खोलने की हत्या हुई है उसके लिए न्याय की आवाज उठ रही है सर। देखिए एक बात मैं आपको कहना चाहूंगा, आप देख लीजिए कि जब जब ये हिंसा होते हैं या योगी सरकार जो है पूरे मोमेंट में आने का काम करती है और देश को झुकने का काम करती है कि देश नफरत की बाजार में जाकर नफरत जो एक माहौल तैयार करें, उस नफरत में हमारे देश की युवा जो है झुलस जाए और हमारा काम जो है प्रोपेगंडा जो तय करना है उसके सहारे हम चुनाव में निकलने का काम करें। पूरे देश में इन्होंने एक मैनिफेस्टो बनाया था कि जो राम को लाए हैं हमको उनको लाने का काम करेंगे और अयोध्या में लोगों ने करारा तमाचा मारा है और आने वाले वक्त में 5 सालों में लोग देख जाएंगे और इस बार लोकसभा चुनाव में आप देख सकते हैं किस प्रकार इन्होंने एजेंडा बनाया और कहां जाके सीमित होगा। आज नायडू हो या नीतीश कुमार हो, उनके सहारे बैसाखी के सहारे सरकारें चल रही है, लेकिन आने वाला वक्त जनता समझ चुका है कि हमें शिक्षा पर बात करना है, स्वास्थ्य पर बात करना है, रोजगार पर बात करना है, इस देश में हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई के भाईचारे की बात करना है। नारेबाजी तो हो रही है ना, धार्मिक नारे लगाए जा रहे हैं, डीजे पे बज रहे हैं, इससे पहले भी कई बार बजे हैं। देखिए चाहे वो मंदिर में पूजा पाठ की बात हो या मस्जिद में अजान की बात हो या सिख हो हमारे जो भी पाठ करने वाले लोग हैं या वाहे गुरु की बात हो, सब जगह एक एजेंडा तय कर दिया गया है। इस सरकार में वही दिखाने का काम मीडिया करता है, कुछ गोदी मीडिया है वही दिखाने का काम करते हैं जो भाजपा सरकार स्क्रिप्ट लिखती है और जो स्क्रिप्ट लिखती है उसी के फॉलो थ्रू वो दिखाने का काम किया जाता है। यह वक्त जो है बड़ा नाजुक स्थिति में देश गुजर रहा है, आने वाले वक्त में समझने का काम करेंगे। आप देख सकते हैं उदाहरण के तौर पर हरियाणा में अभी चुनाव हुए हैं और वहां पे हरियाणा में जो 90 सीट है उसमें कांग्रेस पार्टी 68 सीटों पर, जहां बुद्धिजीवी लोग वोट देते हैं, 68 सीटों पर लीडिंग करने का काम कर रही थी और 11 बजे के बाद वो सीधे प्रोपेगंडा चेंज होने का काम करता है। मशीन को नियंत्रण करने का काम ईवीएम जो है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन नहीं है बल्कि इलेक्ट्रॉनिक विक्ट्री मशीन है भाजपा के लिए। जब जब यह चीज आएगा, अभी महाराष्ट्र में चुनाव होने हैं 288 सीट है और यहाँ चुनाव होने हैं झारखंड में, वहाँ 88 सीट है, यूपी में भी उपचुनाव है। अब मैं बता दूं आपको कि महाराष्ट्र में 288 सीट है, एक चरण में चुनाव होना है और बगल में झारखंड में बिहार से सटा हुआ झारखंड है, वहां मात्र 81 से 88 सीट है, वहां 1-2 चरण में चुनाव होने हैं। यह जनता तो समझ चुकी है कि एक हाउस जो मामला है, एक हम अपना एक स्क्रिप्ट तैयार करेंगे, स्क्रिप्ट तैयार करके महाराष्ट्र में जब दाल नहीं करेंगे वहां तो खरीदेंगे विधायक को उठाएंगे और भगा कर फिर वहां सरकार बनाएंगे। जीते हुए लोगों को और लोकतंत्र की हत्या करना तय करता है तो भाजपा सरकार करती है। यूपी चुनाव में भी उपचुनाव होने हैं और वहां जिस प्रकार माइंडेड लोगों ने दिया है, 80 में 37 सीटों जो है इंडिया गठबंधन के लोगों को देने का काम किया है, उपचुनाव में भी इस बार रिजल्ट जो मिलेंगे तगड़े मिलेंगे और वहां फिर इंडिया गठबंधन जीतने जा रही है। अच्छा, लेकिन यूपी में जिस तरीके से उपचुनाव है, बहराइच आप देख रहे हैं जिस तरीके से हिंसा की आग में चल रहा है, कैसे देखते हैं इन दोनों को एक साथ? देखिए स्पष्ट है, आपको एक बात बता दूं, स्पष्ट बात है कि ये चुनाव जो है बीजेपी केवल नफरत के नाम पर लड़ती है, लोगों के बांटने के नाम पर लड़ती है और देश के जो युवा हैं उनको इन नफरत के बाजार में झोंकने का काम करती है। और हम लोग जानते हैं कि ये चुनाव जब जब आता है बीजेपी यही प्रोपेगंडा सेट करती है। आप देख लीजिए, 2 करोड़ नौकरी की बात किए, काले धन का बात किए, रोजगार के बात किए, महंगाई की बात किए, लड़कियों की सुरक्षा के बात की, जब सारे मुद्दे पर फेल होने लगते हैं ये लोग क्या करते हैं, जब सारे मुद्दे पर फेल होने लगते हैं ये लोग धर्म के आन लेते हैं, ये लोग नफरत का फैलाने का काम करते हैं। जानते हैं कि जब हम महंगाई कम नहीं कर किए, काले धन नहीं ला सके तो लोग, देश के लोग हमसे जब हिसाब किताब पूछेंगे तो हम क्या क्या लेकर जाएंगे उनके बीच में, तो लोग क्या करते हैं, धार्मिक भावनाओं को आहत करने का काम करते हैं ये बीजेपी के लोग, क्योंकि जब भी इनको लगता है कि हम चुनाव हार रहे हैं तो ये रोजी रोजगार, स्वास्थ्य, शिक्षा, कमाई, पढ़ाई लिखाई, सिंचाई की बात नहीं करेंगे, ये लोग नफरत का
फैलाने का काम करेंगे, हिंदू मुस्लिम को लड़वाने का काम करेंगे, अगले पिछड़ों को बांटने का काम करेंगे। इनका काम है यही कि जब जब ये लगता है कि चुनाव इनका कुर्सी जा रहा है यही काम करने कर। यूपी में तो योगी मॉडल चल रहा है ना, योगी मॉडल जो है लोकसभा चुनाव में आपको 50% दिखाई दे दिया कि खत्म हो गया है, विधानसभा चुनाव आएगा योगी जी मठ में पुनः चले जाएंगे, योगी जी मठ में पुनः चले जाएंगे, कोई योगी मॉडल वॉडल नहीं है, एक प्रोपेगेंडा है, एक हवा हवा जो उनके लोगों के द्वारा सेट किया गया है वो हवा है और कुछ भी नहीं है। बहराइच की हिंसा क्या कैसे शांत होगी? जितने भी महागठबंधन के हमारे नेता हैं, जितने भी हमारे कार्यकर्ता हैं पूरे देश, राहुल जी, अखिलेश यादव जी, अब तमाम जितने लोग हैं बहराइच में शांति का अपील कर रहे हैं और निश्चित तौर पे हम लोग चाहते हैं कि बहराइच में शांति व्यवस्था कायम हो और वहां पर इसी माध्यम है लोगों को समझा बुझाकर कि कुछ दिन की बात है, ये इनकी गुलामी से हम लोग को स्वतंत्रता मिलेगी ये चुनाव के बाद, तो निश्चित तौर पर हम लोग बहराइच में शांति ही नहीं पूरे देश में शांति आएगा।